मैं दीपा खुराना आपका स्वागत करती हूँ घर का खाना में। आज हम बनाएंगे क्विक एंड इजी स्वीट रेसिपी पोहा शीरा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब हम पोहा शीरा बनाना शुरू करेंगे, तो देखते हैं हमें इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए एक कप पोहा, आधा कप शक्कर, इलायची पाउडर, काजू, किशमिश, घी और फूड कलर। ये आपको किसी भी नॉर्मल स्टोर में मिल जाएगा। अब हम गैस चालू करेंगे, पैन लेंगे, पोहा डालेंगे और पोहे को मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, पोहे को हमने भून लिया है। अब हम गैस बंद करेंगे और पोहे को ठंडा होने देंगे। हमारा पोहा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे जार में शिफ्ट करेंगे। और इसे ग्राइंड कर लेंगे। पोहे को हमने ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसे साइड रख देंगे। अब हम एक पिंच कलर लेंगे, पानी डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे भी साइड रख देंगे। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे, पैन लेंगे, 2 चम्मच घी डालेंगे, घी को गर्म होने देते हैं। हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें काजू डालेंगे, काजू को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमारे काजू ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें किशमिश डालेंगे, इसे 30 सेकंड के लिए और भून लेंगे। अब हम काजू और किशमिश को बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ पोहा डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, मिला लेते हैं। आधा कप शक्कर डालेंगे, मिला लेंगे। अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे, हमारा फूड कलर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, ड्राई फ्रूट डालेंगे, अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमारा पोहा शीरा बिल्कुल तैयार है, अब हम गैस बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। हमारा पोहा शीरा आप इसे बनाकर गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो